बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और सिर्फ दो तीन बातें मुझे आपसे करनी है। सवाल हमारा आपने देख ही लिया होगा कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो इंटरिम रिपोर्ट आई थी, जो ड्राफ्ट था, उसको चेंज करेगा या नहीं, एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब तक जहां पर इसे आप देख रहे थे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस पर नाराज काफी ज्यादा थी, मगर अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं तिलमिलाई है और जो इंटरिम रिपोर्ट आई है उससे इनिशियल ड्राफ्ट से थोड़ी सी घबराहट भी लग रही है। जो कि जिस तरीके से लोकसभा या असेंबली सेगमेंट्स में तोड़फोड़ की गई है, जो नाराजगी काफी ज्यादा बाकी पार्टियां दिखा रही थी, उसका रीजन ही यही था कि यहां के लोग वहां और वहां के यहां लगा दिए गए बिना टोपोग्राफी, बिना ज्योग्राफिकल चीजें देखने के, न जाने बंद कमरे में कहीं कमीशन की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई, तो इस पर नाराजगी काफी ज्यादा थी। नाराजगी जरूरी भी थी इसलिए चूंकि बहुत सारे एरियाज में फर्क देखे बिना ही शायद जम्मू को कश्मीर से या कश्मीर को जम्मू से मिलाने की कोशिश की, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये चीजें हमने देखी कि तकसीम किया गया। अब जाकर वजाहत बीजेपी की तरफ से की गई है। आज जुगल किशोर शर्मा का जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनका बयान आया जिसमें वो ये कहते हैं कि सुचेतगढ़ आरएसपुरा का हालांकि उनने जिक्र किया लेकिन नाराजगी साफ झलक रही थी उनके जवाब से। उनने कहा कि वो भी अपने एतराजात दर्ज कराएंगे। अब तक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या अवामी सतह पर जो एतराजात दर्ज कराने हैं 14 फरवरी को वो लिए जाएंगे, लेकिन 14 फरवरी से पहले बीजेपी भी अपने एतराजात दर्ज कराएगी और जिन एरियाज में तोड़फोड़ हुई है उनको वापस असेंबली सेगमेंट्स बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कदम उठाया जा रहा है। इसमें जुगल किशोर शर्मा ने आज साफ कर दिया कि बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, विच मीन्स नाराज हैं डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है और हदबंदी कमीशन की या परिसीमन आयोग जिसे आप कहते हैं, इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नाराज नहीं थी, खुद बीजेपी भी, जो अब तक कमीशन की तमाम चेंजेस को एक साथ अच्छा और बेहतर कहते हुए, हिमायत करते हुए नजर आ रही थी, इसके सपोर्ट में खड़ी थी। अब कुछ चीजों का एहसास हुआ, चूंकि सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म किया गया, आरएसपुरा के अंदर जो चेंजेस हुई उस पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एहतजाज कर रहे हैं और आज बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जा रही थी लेकिन इसका भी सवाल के जवाब जो है बीजेपी की तरफ से दिए गए और वो थे डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से की रिपोर्ट पर। इसमें आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे, चूंकि पीर तक का वक्त है 14 तारीख तक का, और जब कमीशन के सामने अपनी शिकायतें, अपने एतराजात, अपने जो इस वक्त पॉइंट्स हैं वो मेंशन करेंगी पार्टियां, तो बीजेपी ये भी कहेगी कि हम भी पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं, आपकी रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं रखते हैं, ये चेंजेस होनी चाहिए। इसलिए हमने ये सवाल भी पूछा और इसका जवाब भी इसमें तलाशने की कोशिश की। आप भी अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा, अपनी राय हम तक जरूर कॉमेंट के जरिए पहुंचाइएगा। लेकिन इम्कान है कि जो एसोसिएट मेम्बरान है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लोन है, बीजेपी से जम्मू से दोनों हैं मरकजी वजीर ममलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जुगल किशोर शर्मा है, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे अब राजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाएगा, तो वहां से रिप्रेजेंटेशन अभी तक है उनकी। उन दोनों ने, यानी दो बीजेपी, तीन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जब एतराजात रखेंगे तो उसके बाद कोई तब्दीली का इम्कान अब लग रहा है कि शायद इक्का दुक्का चीजें होंगी, 19-20 का फर्क जो लग रहा है कुछ एरियाज में उनको चेंज करने की कोशिश होगी, चूंकि बीजेपी ने भी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। होप्स हो कि बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। इस वक्त अवामी नुमाइंदे भी एहतजाज पर हैं, बाकी लोग तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की भी नाराजगी काफी ज्यादा है जो इंतजार कर रहे थे कि उनको अलग हलके मिलेंगे। वो तो दूर, जो ऑलरेडी हलके बने थे उनको तोड़ने पर बीजेपी ने नाराजगी का इजहार कर दिया है। आप हमारे साथ रहेंगे, अपने कॉमेंट बॉक्स में भी मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाइएगा, कॉमेंट बॉक्स में अपना रद्देमल जो है वो उसका इजहार कीजिएगा, हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात भी हम अच्छे से सुन पाएं, समझ पाएं और आप भी हमारी बात न सिर्फ समझें, बाकी लोगों के राय हम लें, उनके कमेंट्स लें, आप हमारी इसमें मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।